हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पैशन ऑफ ग्राफिक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी भी जेपीजी फाइल को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जेपीजी फाइल जैसा कि बहुत ही रास्टराइज होती हैं, तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डुप्लीकेट निकाल लेंगे, कंट्रोल डी से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन शो करेगा ट्रेस बिट मैप, इसके अंदर आपको जाना है क्लिप आर्ट में, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाके क्लिप आर्ट। तो उसके बाद ये इसको ट्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये इसको ट्रेस कर लेता है फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना रहेगा। तो जैसा कि इसने इसको ट्रेस कर लिया है, अब हम जूम करके देख लेंगे एक बार। तो जैसे कि जो हमने वेक्टर में ट्रेस कराया, इसमें बैकग्राउंड शो कर रहा है जेपीजी का, तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे रिमूव, तो जो बैकग्राउंड का कलर था वो रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी टॉलरेंस को सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, स्मूथ करेंगे कॉर्नर्स को और डिटेल्स को सेट करेंगे ताकि वो अच्छे से जो है प्रॉपरली ट्रेस हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको टॉलरेंस को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो उसके बाद ये डिलीट ओरिजिनल इमेज का ऑप्शन शो करेगा, आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए जिससे कि वो जो जेपीजी फाइल थी वो डिलीट हो जाएगी और वेक्टर वाली वहाँ पर रह जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है और इसको हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको अनग्रुप कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो चुका है, जैसे कि आप जेपीजी देख सकते थे और ये वेक्टर देख लीजिए। अब इसमें मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो अब इसमें हम कोई भी कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक तरीके से अब ये ओपन फाइल हो चुकी है। तो जैसे कि मैं इसमें कलर चेंजेस करके दिखा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए इस पर करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरीके से किसी भी जेपीजी फाइल को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइन ट्यूटोरियल वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।